ओके हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ये फाइलम आपका है फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस। ओके, इसके पहले हम लोग ने फाइलम देखा था, फाइलम पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। नाउ लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि आप लोग मुझे बताएंगे नाइडो साइट कोलोब्लास्ट ये क्या होता है। ओके, नाउ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्लैटीहेल्मिंथेस। ओके, प्लैटीहेल्मिंथेस जो होता है, हेल्मिंथेस मतलब होता है वॉर्म, हेल्मिंथेस मतलब क्या होता है वॉर्म। एंड जो हेल्मिंथेस की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्मिथोलॉजी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्मिथोलॉजी। तो इसको और क्या बोलते हैं, प्लैटीहेल्मिंथेस को और बोलते हैं फ्लैट वॉर्म। ओके, फ्लैट वॉर्म, बिकॉज इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लैट होता है। एंड इसके थ्री क्लास होते हैं। एक आपका आता है क्लास ट्यूबरेलिया, क्लास सिस्टोडा एंड क्लास ट्रेमेटोडा। यहाँ पे आपको स्टडी करनी है, प्लैनेरिया की स्टडी करनी है और आपको टैपवॉर्म की एंड लिवर फ्लूइड की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लैनेरिया कैसे होता है। हम लोग पहले प्लैटीहेल्मिंथेस का डिटेल्स देखेंगे, प्लैटीहेल्मिंथेस एक्चुअली होता क्या है। ओके, नाउ प्लैटीहेल्मिंथेस, प्लैटी मतलब क्या होता है, प्लैटी मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट। हेल्मिंथेस मतलब होता है वॉर्म। जो फ्लैट वॉर्म होते हैं, फ्लैट वॉर्म प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैटीहेल्मिंथेस। Platyhelminthes is commonly known as a flatworm or tapeworm, and इसको ये टर्म देने वाला कौन है, वो है गेगेनबर्ग। कौन है? गेगेनबर्ग है गिव द टर्म Platyhelminthes। अभी ये क्या होता है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी तक हम लोग ने देखा, जितने भी एनिमल्स हमने देखा था, सबके सब क्या थे, डाइप्लोब्लास्टिक थे। सबके सब क्या थे, डाइप्लोब्लास्टिक। ये भी डाइप्लोब्लास्टिक होता है, ये भी डाइप्लोब्लास्टिक होता है, बट और क्या होता है, ये लोअर ट्राइप्लोब्लास्टिक, मतलब यहां पे ट्राइप्लोब्लास्टिक थर्ड लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। एंड असिलोमेट, अभी तक क्या है आपका, अभी तक हम लोग असिलोमेट में ही चल रहे हैं। एंड बॉडी क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल, मतलब आप इसको बीच से कट करेंगे तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। नाउ ये आपको ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिख रहा है, चमकदार पिक्चर्स दिख रहा है, ब्लू कलर का एंड येलो कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको। ओके, ये दिख रहा है पिक्चर आपको, दूसरा पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी आपको बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर दिख रहा है। ओके, थर्ड पिक्चर, ओके, ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिख रहे हैं। मतलब क्या है कि ये एक चमकता हुआ एनिमल है, ये कोई नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, ये क्या है, एनिमल है। और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो तीनों पिक्चर्स में उनकी जो बॉडी है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। नाउ ये सबसे पहला पिक्चर है, ये किसका पिक्चर है आप बता सकते हैं? ओके, वेरी गुड, ये क्या है, प्लैनेरिया है। क्या है ये, प्लैनेरिया है। अभी ये जो प्लैनेरिया है ये किस में आता है, प्लैटीहेल्मिंथेस में आता है। प्लैटी, इनकी बॉडी अगर आप देखोगे तो आपको फ्लैट दिखेगा। एंड यहाँ पे ये जो है, ये जो पार्ट है, ये क्या होता है, आई स्पॉट होता है। क्या होता है, आई स्पॉट, ये क्या है, आई स्पॉट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हेड, मतलब यहाँ पे हेड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है। एंड फॉर्मेशन ऑफ हेड इज कॉल्ड एज अ सेफलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेफलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हेड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हेड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग प्लैनेरिया का एनाटॉमी देखते हैं। अभी यहां पे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ओके, नाउ ये जो पार्ट है ये क्या है, आई स्पॉट है, ये आई स्पॉट है, ऑरिकल दिख रहा है।
एंड ये जो इसका होता है यहाँ पे जो पार्ट है ये माउथ वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है माउथ पार्ट होता है। एंड इसका जो फेरिंग्स होता है ये फेरिंग्स क्या होता है एक्सटेंड होता है, मतलब फूड को कैप्चर करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए उनका फेरिंग्स क्या होता है एक्सटेंड होता है एंड एक्सटेंड होके वो फूड को कैप्चर करता है। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अभी भी क्या है यहाँ पे इनकी बॉडी जो है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब फूड को वो माउथ के थ्रू इंटेक करते हैं बट यहाँ पे कम्प्लीटली जो है प्रॉपर एनस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और सेकेंड डायग्राम में अगर आप देखेंगे, इसके पहले मैंने आपको बताया कि हेड का फॉर्मेशन हो रहा है, सेफलाइजेशन हो रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स हैं वो आएंगे एंड देन यहाँ पे क्या होगा गैंग्लियन का फॉर्मेशन होता है। गैंग्लियन क्या होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स आके मर्ज होंगे, मर्ज होने के बाद क्या होगा गैंग्लियन का फॉर्मेशन होगा। एंड इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम क्या होता है लैडर के जैसा होता है, ये दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है आपको, ऐसे यहां से ऐसे जा रही है एंड ये आपका नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स है, दिख रहा है आपको। ये जो बाइलोब होता है ये दो लोब प्रेजेंट होते हैं, बाइलोब होता है एंड देन यहाँ पे कुछ पार्ट पे अगेन गैंग्लियन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देखोगे नर्वस सिस्टम देखोगे तो इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, मतलब सीढ़ी के जैसा है, इनका कैसे सीढ़ी के जैसा नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ओके चलो हम लोग एकदम क्लियर पिक्चर्स देखते हैं। इनका गैंग्लियन दिख रहा है, ये स्पॉट दिख रहा है गैंग्लियन, ये आई स्पॉट है, आई स्पॉट क्या होता है इसमें फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, फोटो रिसेप्टर मतलब वो लाइट को सेंस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आई स्पॉट। एंड देन ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन में क्या होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये न्यूरॉन्स का जब मर्जर होता है, मर्जर होने के बाद क्या होता है गैंग्लियन, मतलब यहाँ पे सेफलाइजेशन हो रहा है, हेड का फॉर्मेशन हो रहा है, हेड का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मतलब यहाँ पे अभी भी सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बीच में हॉलो स्पेस प्रेजेंट होगा। एंड ये जो पार्ट होता है यहाँ पे माउथ वाला पार्ट, ये इनका माउथ है एंड ये फेरिंग्स है, मतलब ये एक्सटेंडेबल होता है, ये एक्सटेंड होता है जब ये फूड को कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के लिए इनका फेरिंग्स क्या होता है एक्सटेंड होगा एंड एक्सटेंड होके वो फूड को कैप्चर करेगा। एंड ये जो पार्ट है आपका नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट है ये पीछे जाके क्या बनता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनता है, क्या बनता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनता है। ओके ये हम लोग ने एक प्लैनिडिया का सेक्शन लिया है एंड उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको कुछ पार्ट देखेंगे एंड देन डिटेल्स में हम आगे हम पढ़ेंगे। ये सेक्शन लिया फ्लैटवॉर्म है एंड देन सेंटर में आपको क्या दिख रहा है ये पार्ट जो है उनका इंटेस्टाइन है, ये पार्ट क्या है इंटेस्टाइन है एंड उसके बाद ये जो पार्ट है ये लोब जो है ये क्या है टेस्टिस है एंड ये क्या है ऊपर का लेयर है इपिडर्मिस लेयर है एंड यहाँ पे स्पर्म डक्ट दिखता है एंड ओविडक्ट भी दिख रहा है दोनों, ये ओविडक्ट है ये दोनों, मतलब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे वही हमने पूरी सिस्टम का हम लोगों ने पूरे बॉडी का हम लोगों ने एक सेक्शन लिया, सेक्शन लेने के बाद हम लोग ने देखा कि यहाँ पे टेस्टिस एंड ओवरी दोनों प्रेजेंट है, मतलब ये एनिमल क्या होता है हर्मोफ्रोडाइट होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या हो गया हर्मोफ्रोडाइट हो गया। एंड नर्व कॉर्ड ये दिख रहा है आपको नर्व कॉर्ड, यहाँ पे नर्व कॉर्ड दिख रहा है मतलब नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है यहाँ पे। ओके एंड यहाँ पे ये है लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड पैरेन्काइमा मसल्स प्रेजेंट है एंड ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। ओके एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है प्लैनेरिया की सबसे मेजर क्वालिटी जो होती है, मेजर क्वालिटी होती है वो रीजनरेशन की क्वालिटी होती है, मतलब आप उसको एक प्लैनेरिया को, ये इतना बड़ा एक्चुअली नहीं है 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली उसका साइज होगा, अगर प्लैनेरिया को आप 100 टुकड़े कर दो एंड 100 टुकड़े करने के बाद अगर उनको वापस पानी में छोड़ दो तो क्या होगा वो अगेन 100 प्लैनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा।
कितने हो जाएगा 100 प्लानिरिया का फॉर्मेशन। एग्जांपल अभी ये है प्लानिरिया, जैसे एग्जांपल ले लो आपका, हम लोगों ने एक प्लानिरिया ड्रॉ किया, ओके चलो हम लोगों ने प्लानिरिया ड्रॉ किया यहां पे एक यहां पे। अगर हमने इनको, हमने इसको यहां से यहां से यहां से हम लोगों ने कट किया, तो यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4 फोर प्लानिरिया का अगेन फॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज इसमें रीजनरेशन की क्वालिटी होती है। अगर हम लोगों ने प्लानिरिया, ये प्लानिरिया है आपका, सॉरी ठीक है, अभी हमने प्लानिरिया को, हम लोगों ने प्लानिरिया को क्या किया, यहां से हम लोगों ने यहां से ऐसे तीन दो पार्ट से हम लोगों ने कट किया, बट कंप्लीटली हमने कट नहीं किया, तो क्या होगा, यहां पे इसकी थ्री हेड का फॉर्मेशन, यहां से ये वाले पार्ट से एक हेड का, यहां से एक एक हेड और यहां से एक हेड, थ्री हेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इसकी सबसे स्पेशल फीचर जो होता है वो रीजनरेशन होता है। अभी प्लानिरिया क्या होता है, वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्रीली मूवेबल होता है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपको प्लानिरिया देखना है तो किसी पॉन्ड के पास चले जाओ एंड वहां पे मीट का एक टुकड़ा जो है, जो पत्थर रहेगा या कुछ भी रहेगा, वहां पे रख दो, आप शाम तक रख दो, सुबह आप जब जाओगे वहां पे देखोगे तो आपको मोर देन 100 प्लानिरिया उसके ऊपर चिपके हुए दिखेंगे, क्योंकि उनको फूड का रिक्वायरमेंट है, उनको खाना खाना है, खाना खाने के लिए कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे उनका फूड मिलेगा, फूड सोर्स, एंड देन वहाँ से लेके एंड आओगे एंड जब उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में, तो आपको क्लियर उसका, जैसे ये पिक्चर दिया हुआ है, ये जैसे आपको ये पिक्चर दिया हुआ है वैसे आपको क्लियर आपको दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अभी ये क्या होता है, प्लानिरिया की क्वालिटी क्या होती है या फ्लैटवर्म की क्वालिटी क्या होती है, बॉडी क्या होती है, इसकी बॉडी इज एलोंगेटेड, बॉडी इज एलोंगेटेड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटिंग, सॉफ्ट लीफ लाइक और टेप लाइक। अभी प्लैटीहेल्मिंथस जो होता है उसकी बॉडी क्या होती है, इलोंगेटेड बॉडी होती है एंड डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल डॉर्सल साइड, डॉर्सल एंड वेंट्रल, डॉर्सल मतलब बैक साइड एंड वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेन बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी होती है एंड सॉफ्ट लीफ लाइक, एंड ये कैसे होते, पत्ते जैसे होते हैं। आप प्लानिरिया अगर आप देखोगे तो आपको फ्लैट फॉर्म एकदम पतला सा दिखेगा एंड टेप लाइक मतलब टेप के जैसा, तो इसलिए हम लोग प्लैटीहेल्मिंथस को क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, टेप वॉर्म बोलते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम क्यूटिकल्स, मतलब बॉडी इनकी किससे कवर होती है, क्यूटिकल से कवर होती है, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग तो चाहिए ना, तो वो कवरिंग क्या होती है, वो कवरिंग किससे बनती है, उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल्स बोलते हैं। एंड मोस्टली पैरासाइट सम आर फ्री लिविंग, मतलब एग्जाम्पल है आपका प्लानिरिया का, एग्जाम्पल है प्लानिरिया क्या होता है आपका, फ्री स्विमिंग होता है, बट रिमेनिंग जो है हम लोग टैपवॉर्म पढ़ेंगे, लिवर फ्लूक पढ़ेंगे, तो वो क्या होगा आपका, पैरासाइट होगा। एंड क्या होता है पैरासाइट में, कुछ एक्टो और एंडो, मतलब बॉडी के अंदर भी रहेंगे एंड बॉडी के बाहर भी, मतलब एज अ पैरासाइट। अभी पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल दूसरों की बॉडी पे, मतलब होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। तो आप अगर देखोगे टैपवॉर्म का जो होस्ट है वो कौन है, ह्यूमन है, कौन है उसका होस्ट, कौन है, ह्यूमन है। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में आपको टैपवॉर्म मिल जाएगा। नाउ पैरासिटिक फॉर्म हैव अ एडहेसिव स्ट्रक्चर लाइक स्पाइनिंग्स, हुक, सकर एंड अदर डिवाइस फॉर द अटैचमेंट विथ होस्ट। अभी ये जो होता है, जो पैरासाइट होगा उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी, बिकॉज फ्री स्विमिंग है तो वो फ्रीली मूव हो रहा है, बट जो पैरासाइट है अगर होस्ट बॉडी में है तो कुछ तो स्पेशल फीचर्स होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, क्योंकि उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि होस्ट की बॉडी में है, होस्ट की बॉडी में जो डाइजेस्टिव फूड रहेगा उसको ही खाएगा, मतलब डाइजेस्टिव फूड उसको मिल रहा है, तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम की। बट उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, एंड वो स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस रहते हैं
स्पाइन्स प्रेजेंट होता है, हुक, सकर एंड अदर डिवाइस फॉर द अटैचमेंट विथ होस्ट. ये सब जो पार्ट है होस्ट की बॉडी में अटैचमेंट के लिए काम आता है. अटैच करेंगे तो ही तो वो सर्वाइव कर पाएंगे ना. बॉडी मे बी सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड, मतलब यहाँ पे दिया है सेगमेंटेड, मे बी सेगमेंटेड, मे बी वर्ड दिया गया है. मे बी वर्ड का मतलब क्या है, मतलब वो इसमें सेगमेंटेशन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, आपका सूडो सेगमेंटेशन होगा. क्या होगा, सूडो सेगमेंटेशन होगा. अभी यहां पे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा इज इनकम्प्लीट विदाउट एनस और एब्सेंट इन फ्यू पैरासिटिक फॉर्म. अभी क्या होता है कि जो फ्री स्विमिंग है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, बट क्या होगा, वो इनकम्प्लीट होगा. और अभी जो पैरासाइट है वो एज अ पैरासाइट है, वो क्या करेंगे, उनकी बॉडी में क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की उनको जरूरत ही नहीं है. डाइजेस्टिव सिस्टम पैरासाइट में क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं होगा ना. क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो होस्ट से डाइजेस्टेड फूड ले रहे हैं ना, तो उनकी बॉडी में सिस्टम की जरूरत ही नहीं. रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स आर अब्सेंट. यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, अब्सेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे अभी भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, मतलब जो आपका होलोस्फीयर है, अंदर स्पेस है, वहीं से हो रहा है सब कुछ. तो यहाँ पे अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है. नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव, मतलब यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव स्टेज पे है. गैंग्लियन आ रहे हैं, जमा और गैंग्लियन से सेफलाइजेशन हो रहा है एंड हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है. मतलब प्लैटीहेल्मिंथस ऐसा फर्स्ट फाइलम है जहाँ पे सेफलाइजेशन देखने को मिलता है. इसके पहले तक सेफलाइजेशन, हेड का फॉर्मेशन नहीं था. तो क्या होगा, अगली स्टेज में प्रिमिटिव स्टेज होगा ये. नर्वस सिस्टम कैसे होगा, नर्वस सिस्टम लैडर जैसा होगा. इसके पहले हम लोग ने देखा था नर्वस सिस्टम क्या होता है, लैडर जैसा होता है. ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लियन विथ लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स नर्व. अभी हम लोग एक पिक्चर देखते हैं. ये जो पिक्चर्स है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है, हेड वाला पार्ट है. यहाँ पे ये आई स्पॉट प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे ये जो है ये पार्ट है क्या है, सेंसरी लोब है, ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, ये जो पार्ट है आपका नर्व कॉर्ड है. यहाँ पे बाइलोब दिख रहे हैं, एक ये साइड में, दूसरा ये साइड में, ये एक साइड में, ये दूसरा है. एंड देन गैंग्लियन का आगे जाके क्या होता है, गैंग्लियन का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है, गैंग्लियन का फॉर्मेशन होता है. नाउ अभी हम लोगों ने देखा प्लैनेरिया. अब प्लैनेरिया के बाद हम देख रहे हैं, है? किसको देख रहे हैं, टैपवॉर्म को देख रहे हैं. अभी ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. अभी यहाँ पे ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है वो स्पेशल पार्ट होता है. यहाँ पे स्कॉलेक्स प्रेजेंट होता है, नेक प्रेजेंट होता है. एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये आपको सेगमेंटेड पार्ट दिख रहा है आपको. ओके, ये सेगमेंटेड पार्ट दिख रहा है आपको, एक दो तीन चार, ये सेगमेंट दिख रहा है आपको, बट ये कंप्लीट सेगमेंट नहीं होता है. नॉर्मली अगर आप एनिलीडा जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक्सटर्नल टू इंटरनल जो सेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल मतलब बाहर से लेके अंदर तक पूरा का पूरा सेगमेंटेशन होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें ऊपर ऊपर ही खाली आपको ऐसा सेगमेंटेशन दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो सेगमेंटेशन बोलते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो सेगमेंटेशन. एंड ये जो सेगमेंट पार्ट होता है, ये सबके सब इंडिविजुअल, सबके सब अलग अलग होते हैं, ये सबके सब अलग अलग होते हैं, ठीक है. एंड यहां से ये कंटिन्यूसली इसका फॉर्मेशन होते रहता है. एंड फॉर्मेशन होने के बाद एंड ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिस बोलते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिस बोलते हैं. एंड ये जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये मैच्योर प्रोग्लॉटिस होगा. एंड देन आगे जाके ये पूरा का पूरा निकल जाता है
क्यों निकलता है? बिकॉज जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ग्लॉटिस के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो एग का फॉर्मेशन होता है। एग का फॉर्मेशन होने के बाद वो कहाँ पे होगा? ये पाउच के अंदर ही होगा, ये पाउच के अंदर होगा। एंड देन फर्दर क्या होता है, ये ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होके वो फिकल मैटर बॉडी के वेस्ट मटेरियल के साथ में क्या होता है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा एग से भरा हुआ रहता है। किससे भरा हुआ रहता है? एग से भरा हुआ पाउच होता है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे, तो टैप वॉर्म के लिए जो फर्स्ट होस्ट बॉडी होता है वो ह्यूमन होता है, एंड सेकेंड होस्ट बॉडी जो होता है वो कौन होता है? पिग होता है। सेकेंड होस्ट बॉडी कौन सा होता है? पिग होता है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो नॉर्मली क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड्स आपकी बॉडी के अंदर गया? नहीं, ये पिग का जो मसल्स होता है, जो हम लोग खाते हैं, मीट खाते हैं, उसका मसल्स खाते हैं, उसके थ्रू से होता है। बिकॉज ये जो पार्ट होता है ये कहाँ पे जाएगा? फिकल मैटर पे जाएगा। फिकल मैटर में एग जाएगा ऐसे, एंड देन इसके थ्रू ये कहाँ पे जाएगा? पिग के पास जाएगा। पिग एंड पिग के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद वो कहाँ पे जाता है? पिग के मसल्स में जाता है। कहाँ जाता है? मसल्स में जाएगा, पिग के मसल्स में जाएगा। एंड मसल्स को, वही जब पिग को हम खाते हैं, जब ह्यूमन खाता है, तो अगर वो अनकुक्ड है, प्रॉपरली उसको कुक नहीं किया हुआ है, तो उसके थ्रू से वो कहाँ पे जाता है? अगेन ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। चलो हम लोग पिक्चर देखते हैं टैपवॉर्म का। एक ये रियल पिक्चर है, रियल पिक्चर दिख रहा है आपको? ओके, सेकेंड पिक्चर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्या है? रियल पिक्चर है, एंडोस्कोपी किया हुआ है। एंडोस्कोपी करने के बाद जब हमको टैपवॉर्म दिखता है, एंड ये जो स्पेशल, इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल फीचर्स होता है। ये जो पार्ट है ये क्या होता है? हेड वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? हेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको? ये हेड वाला पार्ट है। एंड इसको जब हम लोग जूम किया, जूम करने के बाद ये दिख रहा है आपको। तो ये इसके अंदर स्पेशल फीचर्स होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो, बिकॉज टैपवॉर्म क्या होता है आपका? पैरासाइट होता है। टैपवॉर्म क्या होता है? पैरासाइट होता है। पैरासाइट है मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? होस्ट बॉडी के अंदर डिपेंड करता है, होस्ट बॉडी के ऊपर। अब होस्ट बॉडी जो है अब अगर उसकी बॉडी में है तो वो इजीली बाहर निकल सकता है ना, बिकॉज वो फ्रीली मूवेबल नहीं है। तो स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्सेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट से वो बाहर निकल सकता है। तो बाहर नहीं निकले तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, हुक प्रेजेंट होता है, जिससे वो जाके स्टमक वॉल में जाके चिपक जाता है। मतलब वो खुद के वो हुक को अंदर प्रेस करता है, प्रेस करके पकड़ के रखता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं निकलना है, एंड वो कंटिन्यूसली पकड़ के रखता है। अब स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं देखते हैं। चलो ये जो पार्ट है ये दिख रहा है, ये पार्ट जो है ये क्या है? हुक होता है। ये वहां पे जाके स्टमक वॉल में पेनिट्रेट होता है। एंड ये जो होता है ये सक्कर होता है। ये टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, 1, 2, 3 एंड 1 इज अ बैक साइड। अभी ये इसका मेन फंक्शन कैसे होता है? नॉर्मली हम लोगों ने देखा बचपन में छोटे छोटे खिलौने होते हैं, एंड उसको हम लोग दीवार में ऐसा प्रेस करेंगे, एंड प्रेस करने के बाद क्या होता है, छोड़ देंगे तो वो वैसे ही चिपक जाता है। मतलब वो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वो सक करता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, इसलिए वो वैसे ही रुका रहता है। आज भी बहुत सारे ऐसे हैंगर्स आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, जिनको आप दीवार में लगा दो, छोड़ दो, तो वैसे ही लटके रहेंगे। आप कोई भी कैलेंडर या छोटे मोटे चीजें आप उसमें टांग सकते हो। तो सेम फीचर्स इसके अंदर होता है। चल, ये जो पूरा पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्कॉलेक्स बोलते हैं। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हुक प्रेजेंट होता है एंड सकर प्रेजेंट होता है। एंड उसके बाद ये क्या होता है? नेक होता है, नेक। एंड इसकी एक सबसे स्पेशल क्वालिटी होती है, स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये कंटिन्यूसली ग्लॉटिस बनाते रहता है। कंटिन्यूसली मतलब ये यहाँ से, इस पार्ट के बाद से वो कंटिन्यूसली ग्लॉटिस बनाते रहेगा। एंड ये जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो क्या होता है? इमेच्योर होता है। क्या होता है? इमेच्योर। अब एक सिंपल सी बात है, आप समझो कि
वो हुक से वहां पे उसको पेनिट्रेट किया है स्टमक में, एंड पीछे के जितने भी क्लॉटिस हैं वो ब्रेकडाउन हो सकते हैं ना, बिकॉज प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं है, वो सब टुकड़े टुकड़े होके निकलते रहेंगे तो पूरा का पूरा बॉडी निकल जाएगा इसकी, नहीं वो पीछे वाला पार्ट जो होता है वो निकलता है, आगे नया कंटिन्यूसली फॉर्मेशन होते रहता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका ये पार्ट जो रहेगा इमेच्योर रहेगा, देन यहाँ पे मैच्योर ग्लॉटिस का फॉर्मेशन होता है, एंड देन ग्रेविड प्रोग्लॉटिस का फॉर्मेशन होता है। ग्रेविड प्रोग्लॉटिस में क्या होता है, पूरा का पूरा एग से भरा हुआ पाउच रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, ये एनिमल जो होता है वो हर्मोफ्रोडाइट होता है, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल डक दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंड दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग का फॉर्मेशन होता है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होगा, एंड वो एग कहाँ पे होगा, इसके अंदर, ये सेगमेंट के अंदर ही होगा, ये सेगमेंट के अंदर भी होगा, मेल एंड फीमेल होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो कंटिन्यूसली ये होते रहता है प्रोसेस। एंड देन एंड में क्या होता है, जब मैच्योर इसका फ्रेगमेंट होगा, जब टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े होके निकलेंगे ये पाउच, तो ये क्या होगा, एग से भरा हुआ पाउच रहता है, क्या रहता है, अंडे से भरा हुआ, इसके एग से भरा हुआ पाउच रहता है जो फेकल मैटर के थ्रू बाहर निकलता है, एंड निकलने के बाद वो पिग की बॉडी में एंटर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड वहां से वो कहां पे जाता है, उसके मसल्स में जाता है। मसल्स में जाने के बाद, एंड देन जब हम लोग, हमको एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि जब हम पिग का मसल खाते हैं, उसको कुक करके खाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, उसको हम प्रॉपरली कुक नहीं करते, तो उसके साथ में वो एग भी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अभी हम लोग देखते हैं इसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं। अभी बॉडी वॉल इज ट्राइप्लोब्लास्टिक, अभी ये क्या है, ये आपका इसका बॉडी वॉल क्या होता है, ट्राइप्लोब्लास्टिक, ओके, मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, इसमें कितने लेयर्स होते हैं, थ्री, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म, एंड इनर एंडोडर्म, और क्या होता है, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल विथ डेफिनेट पोलैरिटी ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा, एंड इसकी बॉडी का एक एंटीरियर साइड होगा जो हेड साइज होगा, साइड होगा, दूसरा जो होता है वो पोस्टीरियर मतलब टेल साइड होगा, मतलब बॉडी के दो सिरे प्रेजेंट होते हैं, एक आपका हेड होगा, दूसरा आपका टेल होगा। अभी भी ये एनिमल क्या होता है, असिलोमेट एनिमल है, क्या है ये, असिलोमेट एनिमल है, मतलब यहाँ पे क्या है, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन इज फिल्ड विथ अ पैरेन्काइमा, मतलब यहाँ अभी तक सिलोम कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। थ्री लेयर्स हैं, मतलब वहां पे जो बीच में कैविटी बनी थी, उस कैविटी में क्या होता है, पैरेन्काइमा फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है, एंड ये क्या है आपका, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम, मतलब यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है, ऑर्गन सिस्टम, एंड न्यूट्रिशन इज अ होलोजॉइक, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये होलोजॉइक टाइप होता है। दिख रहा है आपको, इसका हम लोग ने एक सेक्शन लिया है, सेक्शन लेने के बाद हम लोग ने देखा है ये क्या है, ये पैरेन्काइमा फ्लूइड दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये फ्लूइड पैरेन्काइमा फ्लूइड, ओके, ये आपको लेयर्स दिख रहे हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, और ये इनर लेयर, ओके, ये थ्री लेयर्स दिख रहे हैं, एंड पैरेन्काइमा मसल्स है, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है, मतलब थ्री लेयर्स आपके, एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही है, ये क्या है इसका, गैंग्लियन नर्वस सिस्टम है, ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, दिख रहा है, मैं सामने चढ़ जाता हूँ, ब्लू कलर दिख रहा है, ये क्या है इसका, नर्वस सिस्टम है। और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, अभी इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन पैरासाइट्स एंड एरोबिक इन अ फ्री लिविंग। एरोबिक एंड एनारोबिक मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स में ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, जो रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन लेती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है,
तो अगर पैरासाइट है तो वो होस्ट बॉडी के अंदर रहेगा तो वो क्या होगा, एनारोबिक होगा। जो फ्री स्विमिंग है, फ्री लिविंग है लाइक प्लैनेरिया जैसे हैं, तो उनमें क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। बट ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स आर फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलोनोसाइट्स। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये चांसेस है कि आपको एग्जाम में आने वाला है, आपके एग्जाम में ये आने वाला है, लाइक आपका फ्लेम सेल, क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल जब हम लोग एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे तो एक्सक्रिएशन में आपको दिखेगा कि एक्चुअली फ्लेम सेल होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा, वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, रिप्रोडक्शन अकर्स सेक्सुअली बट इन फ्यू फॉर्म सच एज अ फ्रेश वाटर फॉर्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फिजन। ओके, अभी यहाँ पे असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो किससे होगा, फिजन के थ्रू होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मे बी क्रॉस और सेल्फ। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी इसके पहले तक हम लोगों ने जो डेवलपमेंट देखा था वो क्या देखा था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा था, बट यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट भी यंग वन का फॉर्मेशन होगा और इनडायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज आएगा, लार्वा स्टेज के बाद न्यू एनिमल का फॉर्मेशन होगा। यूजुअली इनडायरेक्ट इन एंडोपैरासाइट विथ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग मैनी लार्वा स्टेज होस्ट। अभी जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा वो किस में होगा, वो पैरासाइट में होगा, जो एंडोपैरासाइट होते हैं, बिकॉज वो फ्रीली मूवेबल नहीं होते। एंड देन वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट लार्वा स्टेज आता है एंड डिफरेंट लार्वा स्टेज से होके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल होती है। अभी आप अगर टैपवॉर्म का ही ले लो, अभी आप टैपवॉर्म का ले रहे हैं तो वहाँ पे कैसा है कि ह्यूमन बॉडी है, सेकेंड होस्ट कौन है, पिग है, एंड देन वहाँ से होते हुए पूरा का पूरा फॉर्मेशन, पूरा का पूरा एक साइकिल होता है, एंड वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट लार्वा स्टेज प्रेजेंट होंगे। बट डायरेक्ट किस में होगा, फ्री लिविंग फॉर्म में होगा। किस में होगा, फ्री लिविंग फॉर्म में। अभी मूवमेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट होता है, मतलब इनमें मूवमेंट नहीं होता है। अभी आप कोई पैरासाइट है तो उसके अंदर आपको लगता है मूवमेंट होगा, नहीं होगा ना, बिकॉज वो होस्ट की बॉडी के अंदर है। दे हैव क्लियरली डिफरेंशिएट हेड सिचुएटेड एंटीरियरली एंड डेलिकेट पोस्टीरियर एंड, मतलब इनका जो एंटीरियर साइड होता है वो वहां पे क्या होता है, हेड प्रेजेंट होता है, एंड पोस्टीरियर साइड में क्या होगा, टेल प्रेजेंट होगा बट डेलिकेट होता है। वो टाइम के साथ क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके निकलते रहता है। एंड दे आर क्लियरली डिफाइंड डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। इनमें क्या होता है, डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल बैक साइड सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस, यहाँ पे दो सरफेस प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट क्या दिया है, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन आर एब्सेंट, मतलब यहाँ पे एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन नहीं होता है, स्केलेटन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके, हार्ड पार्ट इफ एनी सच एज अ हुक टीथ एटसेट्रा आर फॉर्म बाय स्क्लेरोप्रोटीन, बट यहाँ पे जो हार्ड पार्ट होता है, जो उसका हुक होता है या उसका जो टीथ होता है वो किससे बनता है, वो स्क्लेरोप्रोटीन से बनता है, याद रखना, वो किससे बनता है, स्क्लेरोप्रोटीन से बनता है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड हैबिटेट, हुक एंड सकर, दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन से तीन टाइप होते हैं, क्लास थ्री क्लास है। फर्स्ट कौन सा है, टर्मिनल एरिया है, दूसरा कौन सा है, ट्रेमेटोडा है,
एंड थर्ड कौन सा है, सिस्टोडा है. ओके, हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में हम लोग ने देखा था क्या था. एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिंथस. ये तीनों नाम याद रखना, तीनों क्लास याद रखना, इंपॉर्टेंट क्लास है. ओके, थिंग्स रिमेंबर. अब आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है. फ्लैट वॉर्म और फर्स्ट एनिमल टू हैव अ ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेफलाइजेशन, ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल. सेफलाइजेशन मतलब यहां ये फर्स्ट एनिमल है जिसमें सेफलाइजेशन होता है, ट्राइप्लोब्लास्टिक है, थ्री लेयर्स प्रेजेंट है एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल है. बॉडी कैसी होगी, बॉडी प्लान कैसे होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ओके, द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज सीन इन एनिमल लाइक टैपवॉर्म वेयर फूड इज एब्सॉर्ब्ड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. अभी इनके अंदर जो होता है वो फूड एब्सॉर्ब कहाँ से होता है, जनरल बॉडी सरफेस से ही फूड ट्रांसफर होता है, मतलब एब्सॉर्ब हो जाता है क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्रिएशन के लिए फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है. इसको फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेम की जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं. जब आप एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें आने वाली हैं. अभी क्या होता है कि प्लैटीहेल्मिंथस जिसकी बॉडी में प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है वहां पे जो एक्सक्रिएशन होता है वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है. वो क्या होता है, अमोनिया होता है. फ्लेम सेल अराइजेस फ्रॉम मेसोडर्म, किससे बनता है, एंड आर यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ओवाइड. मेन एक्सक्रिएटेड प्रोडक्ट आर अमोनिया, फैटी एसिड एंड CO2. क्या होता है, मेन एक्सक्रिएटेड प्रोडक्ट कौन सा होता है, अमोनिया. इसलिए ये एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनोटेलिज्म बोलते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनोटेलिज्म बोलते हैं. सेंसरी ऑर्गन्स आर वेल डिफाइंड इन फ्री लिविंग फॉर्म देन इन पैरासाइट फॉर्म. मतलब सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड है, मतलब गैंग्लियन का फॉर्मेशन हो गया एंड देन नर्व कॉर्ड के दो नर्व कॉर्ड होते हैं, आपको लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. बट ये सब किस में होते हैं, जो फ्री लिविंग होते हैं. एग्जाम्पल प्लैनेरिया है. सेंस ऑर्गन्स लाइक आई विच आर नॉट इमेज फॉर्मिंग बट कैन डिटेक्ट चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अभी जो आई स्पॉट होता है, आईज होते हैं इनके, वो एग्जैक्टली इमेज का फॉर्मेशन उनको दिखता नहीं है कुछ भी, बट वो लाइट जब चेंज होता है जो इंटेंसिटी है उसको क्या करते हैं, वो रिकग्नाइज कर सकते हैं. आयरिकल्स, पेपलिया एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन फ्री लिविंग फॉर्म लाइक प्लैनेरिया. ये सब एग्जाम्पल किसका है, प्लैनेरिया का है. चलो आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं. एनसीईआरटी में आपको दे हैव अ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि ये डॉर्सो, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड दोनों साइड क्या होता है, फ्लैट बॉडी होती है. दीज आर मोस्टली एंडो पैरासाइट. क्या होता है ये क्या होता है, मोस्टली ये एंडो पैरासाइट. एंडो पैरासाइट का मतलब होता है ये बॉडी के अंदर होता है, इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. किसके, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, इंसानों के अंदर. फ्लैट वॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब ये क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है. अगर आप इसको सेंटर से कट करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. ओके, ट्राइप्लोब्लास्टिक थ्री लेयर्स प्रेजेंट है बट अभी भी क्या है, ये असीलोमेट होता है बिकॉज जो कैविटी होती है वो कैविटी के अंदर क्या होता है, उसमें पैरेन्काइमा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है. एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां देखने को मिलता है. इसके पहले तक क्या था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. इसके पहले तक क्या था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बट अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है आपको. होप एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म. जो पैरासिटिक फॉर्म में होंगे उसमें हुक और सकर दोनों प्रेजेंट होगा. ओके, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब
न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस. ये कौन होता है? ये पैरासाइट होते हैं. क्या होते हैं? जो पैरासाइट होते हैं. ओके एंड इसमें एक स्पेशलाइज सेल होता है. वो सेल कौन सा होता है? फ्लेम सेल. दिख रहा है आपको? स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन के लिए किसका यूज होता है? फ्लेम सेल का यूज होता है. एंड उसको फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फ्लेम के जैसा दिखता है, फ्लेम बल्ब की तरह दिखता है. ये देखो, ये है, ये प्रोटोनेफ्रिडिया. यहां से लिया हम लोग ने इसको, हम लोग ने थोड़ा सा जूम किया, ट्यूबल दिख रहा है यहाँ पे, ये फ्लेम के जैसा दिख रहा है. ये जो पार्ट है ये आपका क्या है? फ्लेम सेल का पार्ट है. तो फ्लेम के जैसा. और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और मे बी चांस है कि 2020 में आ सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. मतलब यहां पे क्या होता है? सेक्सेस सेपरेट नहीं होते. इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या होते हैं? हर्मोफ्रोडाइट होते हैं. क्या होते हैं? हर्मोफ्रोडाइट होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल. एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वा स्टेज. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा? मेनी लार्वा स्टेज. बहुत सारे लार्वा स्टेज से होके आगे जाएगा. मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. सम एग्जाम्पल, सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. अभी इसके अंदर जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है. मतलब उसकी बॉडी को अगर कितने भी टुकड़े कर दो, करने के बाद वो अगेन पूरी बॉडी का रीजनरेशन कर लेता है. मैंने आपको थ्री हेड का एग्जांपल दिया. अगर एक प्लेनेरिया है, एग्जांपल ले लो, ये ऐसे ठीक है, ठीक है, ये पार्ट है, आई स्पॉट हो गया. इसको हम लोग ने यहां से कट किया, इसको हम लोग ने यहां से कट किया, तो हमको क्या दिखेगा? ये आपका प्लेनेरिया हो गया. सॉरी, थ्री हेड का फॉर्मेशन हो जाएगा. बट इनका लाइफ ज्यादा नहीं होगा, बट वो थ्री हेड का फॉर्मेशन हो जाएगा. इतनी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इनके अंदर. एग्जांपल टेनिया, ये क्या है आपका? टैपवॉर्म है. एम्फेसियोला क्या है? लिवर फ्लूक है. डायग्राम दिख रहा है आपको? एग्जांपल ऑफ प्लैटिहेल्मिंथस, आपको टैपवॉर्म, लिवर फ्लूक, दो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में. तो आज हम लोग ने क्या देखा है? Platyhelminthes. Platyhelminthes मतलब क्या होता है? Flatworm. क्या होता है? Flatworm होता है. And क्यों होता है? क्योंकि इनकी बॉडी क्या होती है? फ्लैट होती है. एंड थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. इनके सेम्स हर्मोफ्रोडाइट होता है. एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हो रहा है? सेफलाइजेशन हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? सेफलाइजेशन हो रहा है. हेड का फॉर्मेशन हो रहा है. हेड का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? प्रिमिटिव नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहे हैं. एंड देन ट्राइप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है. एंड ये पैरासाइट भी होते हैं एंड फ्री लिविंग भी होते हैं. फ्री लिविंग में क्या एग्जांपल देखा हम लोग ने? प्लेनेरिया का एग्जांपल देखा. एंड देन हम लोग ने टैपवॉर्म का एग्जांपल देखा. एंड देन उनका हम लोग ने लाइफ साइकिल देखा कि वो लाइफ साइकिल ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, उनमें स्पेशल फीचर्स होता है. हुक एंड सकर प्रेजेंट होता है. हुक एंड सकर होता है. एंड देन उनकी सूडो सेगमेंटेड बॉडी होती है. क्या होती है? सूडो सेगमेंटेड. एंड सेगमेंट का जो पीछे वाला पार्ट है, जो मैच्योर प्रोग्लॉटिस होता है, वो बाहर बॉडी के बाहर टूट टूट के टुकड़े टुकड़े होके बाहर निकलते रहता है. ओके एंड उसमें क्या होता है? एग प्रेजेंट होता है. एंड वो बाद में कहाँ पे जाता है? पिक की बॉडी में जाता है. एंड पिक के डाइजेस्टिव सिस्टम से कहाँ पे जाएगा? उसके मसल्स में जाएगा. एंड मसल से अगेन उसको, अगर हम पिक के मसल्स को प्रॉपरली अगर हम लोग ने कुक नहीं किया है, उसको
प्रॉपरली पकाया नहीं है तो वो क्या होता है, देन वहां पे वो उसका लार्वा स्टेज का फॉर्मेशन होता है, देन वो अगेन ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। ओके, नाउ आज हम लोग ने एक फाइलम कंप्लीट किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, एंड वो नेक्स्ट फाइलम आपका है एस हेलमिंथस। हम लोग ने अभी तक फ्लैट वॉर्म देखा है, अब हम क्या देखेंगे, राउंड वॉर्म देखेंगे। अभी फ्लैट वॉर्म एंड राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं इसको? जब हम फ्लैट वॉर्म मतलब ये उनकी बॉडी फ्लैट होती है, उनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है। जब हम उनको बीच से कट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। बट जो राउंड वॉर्म होते हैं उनकी बॉडी ऐसे होती है। जब उनका टीएस लेंगे, इस पार्ट को अगर हम कट करेंगे, उनका टीएस लेंगे तो ये ऐसे राउंड बनते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। एस हेलमिंथस होगा राउंड वॉर्म, ओके। एंड आपका ये फ्लैट वॉर्म क्या होता है, प्लैटी हेलमिंथस होता है, ओके। थैंक यू वेरी मच।